हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसका संचालन महासचिव शंभूराम जसवाल द्वारा किया गया। बैठक में संघ के सदस्य गरीब दास सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी निवासी लम्बलूप जगन्नाथ दीवान अमनेर निवासी के अकस्मात निधन पर शोक प्रकट किया गया। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों, समस्याओं तथा संघ की वर्तमान गतिविधियों पर चर्चा की गई। सरकार द्वारा जुलाई 2017 में महंगाई भत्ता किस्त व जनवरी 2016 से 8% अंतरिम राहत राशि की अदायगी करने, जुलाई 2017 से 1% और 4% अंतरिम राहत की किस्त की घोषणा करने पर आभार व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में 29 मार्च को संघ का स्थापना दिवस पेंशनर भवन में मनाने पर सहमति बनी। बैठक में पुष्पा शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हमीरपुर को संघ की जिला इकाई का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। इस अवसर पर संघ संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक बीडी शर्मा, प्रदेश महासचिव योगराज शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान लेखराम शर्मा आदि मौजूद रहे। पेंशन कल्याण संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक में आज का मुख्य मुद्दा हिमाचल पेंशन संघ के स्थापना दिवस जो कि दिनांक 29 मार्च को हर साल मनाया जाता है, को इस वर्ष पेंशनर भवन हमीरपुर में बनाए जाने बारे चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह हमीरपुर में पेंशनर भवन में मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों से, सभी खंडों से पदाधिकारीगण व पेंशनर भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त आज की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों को जुलाई 2017 से महंगाई भत्ते की किस्त तथा 1/1/2016 से 8% अंतरिम राहत दिए जाने और उसका नगद भुगतान किए जाने बारे बैठक में सरकार का धन्यवाद किया गया।